हेलो हाय नमस्ते एंड हैप्पी न्यूट्रिशन वीक. जैसे आप सब जानते हो जो सितंबर का मंथ होता है ये नो स्नैक मंथ है, हेल्दी ईटिंग मंथ है और नेशनल न्यूट्रिशन वीक है. और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये वीक में रोज़ एक प्लेज लेंगे हेल्दी ईटिंग की और रोज़ एक डिफरेंट प्लेज होगी, डिफरेंट ओथ होगी. और मेरे साथ हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स भी ओथ लेते हैं. और अभी हमारा पर्पस क्या है, हम डाइनिंग टेबल पे हैं और इस टाइम पे अगर आप देखेंगे इट्स 5:53, मतलब अभी 6 भी नहीं बजे हैं. तो हम लोग घर पे, जैसे आप देख रहे हैं ये मेरी डॉटर है, हम लोग फैमिली इकट्ठे खाना खाती हैं. तो हम लोग क्या क्या फॉलो करते हैं, हम लोग पहले इकट्ठे खाना खाते हैं और हम लोग सनसेट से पहले खाना खाते हैं. हम लोग पूरे दिन में 2 मील्स लेते हैं. जो 2 मील्स होते हैं उसमें हमारे जितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, ये हमारे आते हैं. प्रोटीन, कार्ब एंड फैट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारे 2 मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट एंड लंच. लंच कह लो या फिर ये डिनर कह लो, हम लोग 2 मील्स लेते हैं. और इसके अलावा जो हम बीच में लेते हैं, जो फिलर्स हैं, जो हमारे मिड मील्स हैं, उसमें हमारी मोरिंगा टी होती है या हमारा रोज टी होती है. उसके अलावा हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग सैलड्स लेते हैं. तो सैलड्स को हम लोग मिड मील्स काउंट करते हैं और हम लोग उस चीज़ के उसको कंप्लीट करते हुए 3, 4, या 5 मील्स काउंट करते हैं. सो अभी मैंने आपको बताया कि अभी सनसेट नहीं हुआ है, अभी 6 भी नहीं बजे हैं और 6:15 तक हम लोग अपना डिनर वाइंड अप करेंगे. और उसके बाद मैं अपने डॉटर के साथ थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई करेंगे, ट्यूशन इसको पढ़ाऊंगी मैं. और उसके अलावा फिर हम लोग वॉक करेंगे, मैं अपने जो मेरा एक छोटा बच्चा है 8 मंथ्स का, उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी. लेकिन हम लोग सनसेट के बाद कुछ भी हैवी नहीं खाते, कुछ भी सॉल्ट नहीं खाते हैं. और जब मैं वेट लॉस करती हूँ तो मैं सॉल्ट एक ही मील में लेती हूँ, पर अभी क्योंकि मैं वेट लॉस कर चुकी हूँ कंप्लीट, तो मैं अभी 2 मील्स में अपना सॉल्ट लेती हूँ. और हमें अर्ली डिनर करने में बहुत मज़ा आता है. उससे क्या है, क्या क्या फ़ायदा आपको होता है. फ़ायदा ये होता है, पहला आपका पेट बाहर नहीं आता, स्टमक का फैट नहीं होता है. दूसरा आपको नींद जल्दी आ जाती है. कई लोगों को ये लगता है कि अगर हम लोग 8-9 बजे सोने से पहले खाना नहीं खाएंगे तो नींद अच्छी नहीं आती है. ऐसा नहीं है, ज़्यादा पेट भरा हुआ होगा तो आप रेस्टलेस होंगे. तो जब आप थोड़ा सा जल्दी खाना खा लेते हैं तो डेफिनेटली आपको अपना दिन भी जल्दी ख़त्म करना होता है, आपको 10 या 11 बजे तक सो जाना चाहिए. और उसके बाद हम करते हैं डिजिटल डिटॉक्स. सनसेट के बाद मैं अपने फ़ोन्स भी नहीं देखती हूँ. कई बार जैसे फेसबुक पे रिप्लाईज आए होते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन आए हुए होते हैं, तो अनमोल, पक्षम मेरी टीम में है, शुभम है, मनप्रीत हैं, तो ये सब उनको मतलब रिवर्ट करते हैं और फिर जो टेक्निकल होता है मुझसे पूछते हैं, मॉर्निंग में पूछते हैं. तो डिजिटल डिटॉक्स मेरा स्टार्ट हो जाता है सनसेट के बाद, ना मैं फ़ोन देखती हूँ और सनसेट से पहले मैं खाना खाती हूँ. तो आज की ओथ क्या है, आज न्यूट्रिशनल वीक पर हमारी जो ओथ है वो है, I will have my dinner before sunset. So this is my oath for today. और जो आज का oath है, बहुत जल्दी मैं आपको मेरे एक board के साथ मिलूँगी और वो जो board है आपने भी वही करना है, आपने board पे लिखना है I will have my early dinner या I will have my dinner before sunset. आपने मुझे वो पेज के साथ, अपने बोर्ड के साथ फोटोग्राफ क्लिक करके भेजनी है. पेज इसलिए मैं वेस्ट नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रीज़ को काटा जाता है उसके लिए. तो आप अगर पेज ना वेस्ट करते हुए आप बोर्ड पे भी लिख के दे सकते हैं या जैसे भी आप पेज को रीयूज़ कर लेना तो आप कर सकते हैं. लेकिन आज की हमारी ओथ क्या थी, आई विल हैव माई डिनर बिफोर सनसेट. सो अगर आप बिफोर सनसेट खाना खा लेते हैं, हमारे, मैंने हमेशा से अपने दादी दादा और घर में ये चीज़ प्रैक्टिस करते हुए देखा है. मेरे को याद है कि DD1 पे दूरदर्शन आता था, दूरदर्शन चैनल पे समाचार आते होते थे, वो ऐसे सर्कल में उसका स्लोगन चलता था. तो हम लोग 8 बजे से पहले खा लेते थे, चित्रहार आता था तब. तो डेफिनेटली मेरी यादें बहुत ज़्यादा हैं उस चीज़ को लेके. तो ये चीज़ कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, ये कोई कीटो, इंटरमिटेंट, कोई फैंसी डाइट्स नहीं है. सिर्फ इतना सही फॉलो करना है कि आपको अपने नेचर के टाइम को अंडरस्टैंड करना है. जब सूरज ढल जाता है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, उसके बाद आप जो भी खाएंगे, चाहे वो रस हो, बिस्किट हो, या आप किसी भी चीज़ को, आप ब्रेड को अगर हेल्दी कहते हो, जो कि नहीं है, बट स्टिल अगर आप ब्रेड भी सनसेट के बाद खाते हो तो वो जो कार्ब्स हैं वो आपको अपसेट करेंगे. माल्टोज, जो उसका शुगर है, वो शुगर को भी बढ़ाएगा. तो आपको क्या करना है, आई विल हैव माई डिनर बिफोर सनसेट. सो यू शुड ऑल हैव योर डिनर बिफोर सनसेट. और आप लोग, कई लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग हाथ से क्यों खाना खा रहे हैं. मुझे बहुत मज़ा आता है हाथ से खाना खाने में, हैंड वॉश किए हुए मैंने, आप डरो मत. तो हाथ से खाना खाने में एक तो
स्टिमुलेशन होती है फिंगर्स में, आपके प्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं और एक फ्लेवर आता है. और हमारे इंडिया का तो यही कल्चर है, हाथ से दाल चावल खाओ. स्टील के चम्मच से मज़ा नहीं आता. और जब मैं अपने डेफिनेटली पापड़ अचार चटनी, हाई सॉल्ट होते हैं तो हाई सॉल्ट बहुत अच्छा नहीं है ब्लड प्रेशर के लिए. शौर्य को भी ऐसे ही खिलाते हैं, शौर्य को भी हम हाथ से ही खिलाते हैं. हाँ, ये मेरा अदरक का अचार है. अचार कैसे, इस अदरक में कच्चा अदरक है जो मानसून में, विंटर्स अभी आ रही हैं उनमें बहुत अच्छा होता है. तो ये अदरक में मैंने क्या किया हुआ है, नींबू डाला हुआ है, नमक नहीं है इसमें. इस अदरक में नींबू है और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मिर्ची है, नमक नहीं है. तो ये अचार मैं अदरक का अचार कह सकते हैं, वैसे ये अचार नहीं है, मैं अदरक खाती हूँ अपने खाने के साथ. और अगर जब कभी फ्लेवर का मन करता है, तीखा खाने का मन करता है तो मैं मिर्ची खाती हूँ साथ में. सो आज के उठ लें हम लोग. आई विल हैव माई अर्ली डिनर, आई विल हैव माई डिनर बिफोर सनसेट. सो लेट मी जस्ट एन्जॉय माई फेवरेट. आप सबको भी पता होना चाहिए मेरा फेवरेट क्या है, मेरी है मसर की दाल चावल फेवरेट. और ब्राउन राइस, वाइट राइस, कई लोग ये सोचते हैं कि ब्राउन राइस हेल्दी है, दोनों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ऑलमोस्ट इक्वल होता है. बस ब्राउन राइस में ये है कि फाइबर ज़्यादा है और थोड़े से मिनरल्स ज़्यादा हैं, पर कोई बात नहीं, वाइट राइस भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपको वाइट राइस पसंद है ओवर द ब्राउन राइस तो आप वाइट राइस भी खा सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय योर डिनर. अर्ली डिनर करोगे तो ना बेली फैट होगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना ओबेसिटी होगी और वेट बहुत अच्छा नॉर्मल रहेगा. मेंटली आप बहुत अच्छे रहोगे, आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, आप फिट रहोगे. सो फिट इंडिया, मोदी जी भी यही कहते हैं, श्रेया जी भी यही कहते हैं, तो आप सबको भी यही कहना है. और जिन जो जो लोग अर्ली डिनर करते हैं वो मेरे साथ अग्री करें और नीचे लिखें #NationalNutritionWeek नेशनल न्यूट्रिशन वीक NNW. So, bye-bye, dal chawal.